हेलो नमस्ते, बिग फूडी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें टमेटोज़ की चटनी बनानी है। इसके लिए हमें टमेटोज़ को रोस्ट करना है। फिर उसके बाद इसमें ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स एंड सॉल्ट मिला के हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक हमें इसको ऐसे ही भूनते रहना है। और टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। याद रहे हमने चटनी में भी पहले सॉल्ट ऐड किया हुआ है, तो उसी हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कीजिए। और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको पकने दीजिए। हम पानी मिलाने से मसाले नहीं जलेंगे और टमाटोज भी अच्छी तरह पक जाएंगे। पोटैटोज भी अच्छी तरह पक गई हैं। अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब हम इसमें सूख की हुई सोयाबीन नगेट्स ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें ये तब तक पकानी है जब तक सोयाबीन से सारा मॉइस्चर सूख न जाए। Thank you.
इसमें लाना है। अच्छी तरह इसको मिला लीजिए किसी स्पून से या अपने हाथों से, मिक्स इट प्रॉपरली। एंड ये आप सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसको गर्म रोटियों के साथ या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।